ये बात 12वीं सदी की है। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में सुल्तान मोहम्मद गोरी का दरबार लगा हुआ था। उसके सामने हाथ में तीर कमान लिए खड़े थे पृथ्वीराज चौहान। आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने कैसे सिर्फ आवाज के इशारे पर ही सटीक निशाना लगाते हैं, यह देखने के लिए वहां हर कोई बेकरार था। कि इतने में ही वहां कवि चंद्रबरदाई पहुंचकर एक दोहा सुनाते हैं। हे पृथ्वीराज कमान बांध, है अंतिम अवसर यही एक, बाण से लक्ष्य भेद कर मत चुके चौहान। चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। यह दोहा पूरा होने के बाद जैसे ही मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को निशाना लगाने को हुक्म देता है, वैसे ही पृथ्वीराज का एक बाण सीधा उसके सीने में घुस जाता है और मोहम्मद गोरी वहीं पर ढेर हो जाता है। इस घटना के 800 सालों बाद तक अफगानिस्तान के लोग काबुल में बने उनके कब्र पर जूते बरसाते थे। इसके बाद पृथ्वीराज की अस्थियों को भारत वापस लाने की मांग उठी। लेकिन मजे की बात तो यह है कि भारत में ही ऐसे कई इतिहासकार हैं जो यह नहीं मानते कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। दोस्तों तो क्या थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की असल कहानी? अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा तो गोरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को क्या वापस भारत लाया जा सका? इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं सदी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ था। उनकी माँ कर्पूरी देवी दिल्ली के राजा अनंतपाल की इकलौती बेटी थी। पिता के मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने अजमेर की गद्दी संभाली। तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में राजा बनते ही उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया, जिसके बाद उनकी वीरता का डंका चारों तरफ बजने लगा। कहते हैं कि वो बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद से एक शेर को ढेर कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखकर उनके नाना समझ गए थे कि वो दिल्ली के गद्दी को संभाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान को घोषित कर दिया और अब दिल्ली समेत पूरे राजस्थान पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। दिल्ली का राजा बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर एक किला भी बनवाया, जिसे आज राय पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। चूरू, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का वो इलाका जिसे जांगल प्रदेश भी कहते हैं, वहां पर भी पृथ्वीराज चौहान का ही शासन था। देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत में उनकी धाक थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज जितने बलवान थे उतने ही ताकतवर उनकी सेना भी थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भारी कवच और तलवार का वजन ही 207 किलोग्राम था। इतिहासकारों की माने तो उनकी सेना में 300 हाथी और 3,00,000 सैनिकों के साथ ही बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। लेकिन इतने गुड़ होने के बावजूद भी कन्नौज के राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की शादी अपनी बेटी संयोगिता के साथ नहीं करवाना चाहते थे। वैसे तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ मिलकर कई लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन जयचंद्र अपनी बेटी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज से कराना नहीं चाहते थे। इसलिए संयोगिता के स्वयंवर में उन्होंने पृथ्वीराज को निमंत्रण भी नहीं दिया, बल्कि उनका एक पुतला बनवाकर द्वारपाल की तरह अपने दरवाजे पर खड़ा करवा दिया। लेकिन संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज को स्वयंवर में आने का न्योता भेज चुकी थी, जिसके बाद खुद पृथ्वीराज ने संयोगिता को भरे स्वयंवर से उठाकर अपने साथ दिल्ली ले आए। राजस्थान के चित्रकारी में आज भी पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम को उकेरा जाता है, लेकिन इस प्यार ने ही जयचंद्र और पृथ्वीराज को दुश्मन बना दिया। इस घटना के बाद जयचंद्र पृथ्वीराज से बहुत खफा हो गया, लेकिन जयचंद्र यह अच्छे से जानता था कि वह अकेला पृथ्वीराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप ठीक समझ रहे दोस्तों, यहाँ उसी जयचंद्र की बात हो रही जिसे इतिहास में गद्दार कहा गया। लेकिन जब रिश्ते में जयचंद्र पृथ्वीराज के ससुर थे तो वे गद्दार कैसे हुए? तो क्या है उसके गद्दारी की कहानी, चलिए आपको वो भी बताते हैं। कहते हैं कि अपने इस खुन्नस का बदला लेने के लिए
जयचंद्र पहुंचा मोहम्मद गोरी के पास, वही मोहम्मद गोरी जिसे खुद जयचंद्र ने हराया था। दरअसल हुआ यूं कि साल 1151 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की सेना ने मिलकर हराया था। ये लड़ाई इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से दर्ज है, जिसमें मोहम्मद गोरी के गिड़गिड़ाने पर सम्राट पृथ्वीराज ने उसे रहम खाकर जिंदा छोड़ दिया। कहते हैं कि इससे पहले छोटे बड़े 17 युद्धों में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा चुके थे, लेकिन 1192 में जयचंद्र के भरोसे पर मोहम्मद गोरी ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण कर दिया। जयचंद्र के साथ होने से मोहम्मद गोरी और भी मजबूत हो गया था। जयचंद्र ने पृथ्वीराज की हर एक युद्ध नीतियां और सेनाओं के बारे में हर जानकारी मोहम्मद गोरी को बता दी, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज की सेना के सामने मोहम्मद गोरी की सेना बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही थी। इसलिए मोहम्मद गोरी ने आधी रात को जब पृथ्वीराज की सेना विश्राम कर रही थी उस वक्त उसने हमला कर दिया, लेकिन इस युद्ध को भी पृथ्वीराज की सेना ने बड़ी ही बहादुरी से झेल लिया। लेकिन मोहम्मद गोरी की एक और सेना की टुकड़ी पृथ्वीराज की सेना पर अटैक कर देती है और इस तरह से पृथ्वीराज को बंदी बना लेती है। जयचंद्र की गद्दारी और गोरी के धोखे की वजह से पृथ्वीराज हार गए। उन्हें कैद करके मोहम्मद गोरी उन्हें अफगानिस्तान ले गया। वहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। उसने गर्म सरिये से पृथ्वीराज चौहान की आंखें तक फुड़वा दी। उन्हें और भी कई तरह के कष्ट दिए गए। जब उनकी इस दशा का पता उनके राजकवि और परम मित्र चंद्र बरदाई को लगता है तो वो भी अफगानिस्तान जाते हैं। वहां पृथ्वीराज के साथ मिलकर वो गौरी को मारने की योजना बनाते हैं। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और उनके परम मित्र भी। उन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर पृथ्वीराज रासो की रचना की। शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मारने की कहानी हमें पृथ्वीराज रासो से ही पता चलता है। कहते हैं कि अफगानिस्तान पहुंचकर चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने के तरीके को खूब बखान किया और इस बात को सुनकर मोहम्मद गोरी हैरान रह गया कि आखिर कोई आवाज सुनकर इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है। लेकिन राजा दशरथ के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास यह कला थी, जिसे देखने के लिए उतावले मोहम्मद गोरी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। जब चंद्र बरदाई ने 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण दोहे के जरिए पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी के सिंहासन की ऊंचाई के बारे में सटीक जानकारी दी और मोहम्मद गोरी से बाण चलाने की अनुमति मांगी, जैसे ही गोरी ने बाण चलाने का हुक्म दिया आवाज पहचान कर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी पर बाण छोड़ दिया, जिस कारण मोहम्मद गोरी हाथों हाथ मारा गया। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई ने उसी समय एक दूसरे के सीने पर कटार से प्रहार की ताकि दुश्मन उन्हें पकड़कर जेल में न डाल सके। पृथ्वीराज रासो की यह कहानी सुनने में तो बेहद ही अच्छी लगती है और दिल कहता है कि इसी को ही सच माना जाए, लेकिन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मौत को लेकर अलग अलग इतिहासकार क्या कहते हैं यह भी हमें जानना बेहद जरूरी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखे गए पृथ्वीराज प्रबंध में लिखा गया है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद करके उन्हें जेल में डलवा दिया था और उनके सामने ही सिंहासन पर बैठकर राज करना शुरू कर दिया, जिससे खफा पृथ्वीराज ने उसे मारने की योजना बनवाई। लेकिन जब इस बात का पता मोहम्मद गोरी को लगा तब उसने एक बड़े पत्थर के नीचे दबवा कर पृथ्वीराज की हत्या करवा दी। यही बात लिखी गई है हसन निजामी के किताब ताजुल मासिर में। वहीं राजस्थान का इतिहास किताब लिखने वाले पंडित गोपीनाथ शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि अजमेर के सिक्कों के दोनों तरफ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज दोनों के ही तस्वीर मिलते हैं। तो हो सकता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को फिर से राजा बना दिया, लेकिन अपने अधीन रखकर राज करने पर मजबूर किया। लेकिन अगर सच में ऐसा ही हुआ था तो फिर पृथ्वीराज की कब्र काबुल में कैसे बनी? इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बारे में सटीक तथ्यों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हकीकत तो ये है कि
अपनी देश से गद्दारी करने वाले जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने मौत के घाट उतार दिया और अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की गद्दी पर बैठा दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का एक गुलाम था जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। कहते हैं कि राजा जयचंद्र ने अपनी बेटी के प्यार को कुचलने की जिस गलती से सब कुछ खो दिया, उसी गलती से सबक लेकर मोहम्मद गोरी ने एक गुलाम को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और उसे सजा देने के बजाय भारत का राज्य दे दिया। कई इतिहासकार बताते हैं कि भारत का राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर जब मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान जा रहा था तो पंजाब प्रांत के खोखर जनजाति के कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सही सही जानकारी पाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन आखिरी सवाल यहाँ रह जाता है कि क्या भारत सरकार पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को वापस ला सकी। कहते हैं कि फूलन देवी की हत्या के आरोपी शेर सिंह राणा ने यह दावा किया था कि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को अफगानिस्तान से वापस लाए हैं। उन्होंने बकायदा वीडियो भी बनाकर लोगों को दिखाया। हालांकि भारत सरकार ने इसे वेरीफाई नहीं किया कि वो पृथ्वीराज चौहान की ही अस्थियां हैं या किसी और की, लेकिन तराइन के दूसरी लड़ाई के बाद भारत में जो गुलामी की नींव पड़ी वह गहरी होती चली गई। कभी खिलजी, कभी मुगल, तो कभी अंग्रेज आए, भारत ने सैकड़ों साल गुलामी में बिताए और आखिरकार 1947 में जाकर हमें आजादी मिली। आज के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। राजस्थान समेत पूरे भारत में उनके साहस और प्रेम को कभी चित्र में उकेरा जाता तो कभी गीतों में गाया जाता। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।